नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुटपानी प्रखंड स्थित कुम्हारलोटा गांव में मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा जन चौपाल स जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई टेक होम राशन वितरण योजना का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत 6 माह से 3 साल तक के बच्चे, अति कुपोषित बच्चा एवं गर्भवती और धात्री माता के लिए की गई है, जिसकी आपूर्ति झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी की दीदियों के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में कई जन कल्याणकारी योजनाओं का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ और शिलान्यास किया। उक्त कार्यक्रम में उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माथा, जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनी पूर्ति, उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर कुमार पांडे, पूर्व विधायक जवाहरलाल बांद्रा के अलावे काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, ग्रामीण और लाभार्थी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुफ्त रसोई गैस चूल्हा का वितरण किया। इसके अलावे मॉडल आंगनबाड़ी कुम्हार लोटा का उद्घाटन, केसा लोकाई में चेक डैम निर्माण का शिलान्यास, कुम्हार लोटा में नाला पुलिया, स्नान घाट, आदर्श मध्य विद्यालय कुम्हार लोटा में गैलरी और चौपाल हेतु चबूतरा शेड का शिलान्यास किया। जन चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 3.5 करोड़ जनता के विकास के लिए उनकी सरकार काम करती रही। संथाल परगना के लोग विकास से कोसों दूर थे। वहाँ के लोग शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवा से वंचित थे, जिसकी व्यवस्था इस सरकार ने की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला समृद्ध होते हुए भी यहाँ के लोग गरीब हैं। राज्य में जिसने भी शासन किया उसने यहाँ की जनता को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार उन पर जमीन ठगने को लेकर भ्रम फैला रही है ताकि अपना वोट बैंक बना सके। विपक्ष लोगों को बरगला रही है, विपक्ष कभी विकास की बातें नहीं करती है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का सपना जो 14 साल में पूरा नहीं हुआ वह 5 साल में पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाकर 4000 करोड़ लूटा। यहाँ की जनता गरीब और नेता अमीर बन गया। हमने जो योजना बनाई जनता तक पहुंच रही है, कितना त्वरित नहीं है वो देखा। कल इसी तत्वकाल में उज्जैन में एक आंगनबाड़ी की बहन ने उठाया, सामने निर्णय हुआ। आज गए चुनाव के लिए गया ना, पूरे राज्य में 2 महीने के अंदर जितने 38 जितने आंगनबाड़ी के अंदर सब आंगनबाड़ी के अंदर 2 महीने के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर से खाना बनाएंगे, ताकि हमारे आंगनबाड़ी की दीदियों को भी आईपैड टीवी की बीमारी बुआ पी के ना। इसलिए कोई सोचा ना ऐसा शासन की अड़सठ लाख परिवार में 67 साल में मात्र 38 लाख घर में मिली। इधर सुनो, कैसे कांग्रेस जो शासन किया है, भाजपा में 68 लाख परिवार, 67 साल की आजादी में 38 लाख घर में मिली था, 30 लाख घर में आ दे रहा था। ये डॉक्टर सरकार में हम लोग बिजली पहुंचा दी है। अभी जो आप बोल रहे हैं एकदम सही बात हो रहा है। आज बिजौरी का खेल हो रहा, अभी 20-50 सब स्टेशन पर था, जो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो गांव में भी आप बोल रहे हैं 2 घंटा 4 घंटा गांव में भी 22 से 24 घंटा बिजली है। जब है ठीक है, ऐसा नहीं है ठीक है। मैं एलिगेटर से देखा बरसात में पानी कम नहीं होती है, बड़ा के नदी नाला से पूरा पानी मिल जाए। अभी अप्रैल में शुरू करने जा रहा जल से हर नदी का नाला निकाल दे और हर नदी में बनेगा प्रयास छोटा सा काम ठीक है।
राम राम बना रहा हूं और राम बनाए राम, ठीक है। बरसात का पानी को हम रोक ले, जल प्रबंधन कर ले, किसान को तीन फसल मिल अगला पांच साल क्या करूँ, यदि मैं पानी तक मिल जाऊंगा जहाँ आदिवासी है वहां आदिवासी ग्राम विकास समिति बनाया, जहां जनरल है ग्राम विकास और सबको 5,00,000 रुपया, ठीक है। 172 करोड़ रुपया हमने झारखंड में और आदिवासी विकास समिति की अध्यक्षा कौन है, महिला नौजवान सचिव, तो हर गांव में 5,00,000 किया हुआ। ये छोटा छोटा काम किसी वीडियो किसी मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है, ये गांव में पैसा भेज दिया गया है। विधायक दीपक बिरवा के अथक प्रयास बाद सुफल साई से नहर कॉलोनी चांदमारी बड़बिल पुरनिया तक की सड़क 2 दशक बाद बनेगी। शुक्रवार को इस सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन दिवरी द्वारा किया गया, जिसमें विधायक दीपक बिरवा शामिल हुए। भूमि पूजन के बाद विधायक ने कहा कि इस सड़क को लेकर काफी पहले से प्रयास था, विधानसभा में भी मामला उठाया गया। नहर होने के कारण विभागीय पेश में मामला फंस जा रहा था, विभाग द्वारा एनओसी नहीं दिया जा रहा था। अब जब एनओसी मिला तो पुलिया को काट दिया गया। बिरवा ने कहा कि अभी सड़क निर्माण शुरू होगा और जल्दी पुलिया का काम भी होगा। काफी प्रयास के बाद आज ये सड़क बनाने की जीत मिली। मुखिया सामू बांद्रा ने कहा कि सड़क 1995-96 में बनी थी, उसके बाद फिर कभी यह सड़क मरम्मत तक नहीं हुई। विधायक का प्रयास रंग लाया। बड़बिल मुंडा सुरेंद्र पूर्ति ने कहा कि विधायक के कारण यह सड़क फिर से बनेगी। सड़क बनने की खबर से हर्षित ग्रामीणों ने विधायक दीपक बिरवा का अभिनंदन भी किया। मझगांव विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में विद्युत आपूर्ति की समस्या के निदान को सांसद गीता कोड़ा ने ग्राम कासेया पातारहातु सारदा उलीसाई पोखरिया तारापाई में नया ट्रांसफार्मर लगाने हेतु विद्युत विभाग को अनुशंसा की है। इन ग्रामों में बढ़ती जनसंख्या आदि कारणों की स्थिति में स्थानीय लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, खासकर पठन पाठन करने वाले बच्चों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। शुक्रवार को सांसद गीता कोड़ा द्वारा की गई अनुशंसा पत्र को कांग्रेस नेता भूषण पाट पिंगवा एवं त्रिशानु राय ने विद्युत विभाग को सौंपा। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे एसआर रुमटा बी डिवीजन लीग के अंतर्गत खेले गए आज के मैच में चक्रधरपुर क्रिकेट एकेडमी की टीम ने एक तरफा मुकाबला में फेनाटिक क्लब चैमासा की टीम को 97 रन से पराजित कर पूरे 4 अंक अर्जित किए। स्थानीय बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के मैच में टॉस चक्रधरपुर क्रिकेट एकेडमी के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चक्रधरपुर क्रिकेट एकेडमी की टीम ने निर्धारित 30 ओवरों में अपने 6 विकेट खोकर 218 रन बनाए। जीत के लिए 30 ओवरों में 219 रनों का पीछा करने उतरी फेनाटिक क्लब की टीम 26 ओवरों में अपने सभी विकेट खोकर 121 रन ही बना सकी। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां श्रद्धालुओं के द्वारा जोरदार तरीके से की जा रही है। छठ पर्व को लेकर फलों की दुकानों भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार हैं। बावजूद छठ पर्व को लेकर बाजार में रौनक नहीं देखी जा रही है। छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खरीदारी के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं रहने के कारण दुकानदारों में मायूसी देखी जा रही है। खरीदारी को लेकर दुकानदारों का कहना है कि पूर्व वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष दुकानदारी का माहौल काफी फीका है। वहीं सेल किरीबुरु और मेगा हाथुबुरु लॉ एस खदान से काफी मजदूरों के सेवानिवृत्त होकर चले जाने से भी बाजार में खरीदारी को लेकर रौनक कम है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक मंदी की मार भी बाजार के रौनक पर असर डाल रहा है, जिसके कारण श्रद्धालु आवश्यकता अनुसार सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। छठ व्रत चल रहा है, थोड़ा बाजार मंदी चल रहा है, बाजार में लोग बहुत कम लोग आ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? मंदी बाजार मंदी है, लोगों के पास पैसा कम है, लोग खर्चा करना कम चाह रहे हैं, इसको वजह से बाजार थोड़ा मंदी चल रहा है। स्थिति ऐसा नहीं है, इस बार बिक्री भी कम है, आबादी पूरी में कम है, पहले
वनस्पत रिटायर हो गए हैं यहाँ लोग, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा बिक्री उक्री कम है, और मिला जुला करके तो सब ठीक ही है। घाट भी बहुत गंदा है, इसका भी ग्राहक लोग जो आ रहे हैं दुकान में बोल रहे हैं घाट भी बहुत गंदा है, घाट की सफाई नहीं हुई है, इसके वजह से भी लोग नाराज हैं। और बिक्री उक्री भी कम बेसी ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा पिछले साल था। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।